वेलकम बैक टू माय चैनल कला गैलरी। घरों में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ सभी को अच्छा लगता है। मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो अपने घर के उस स्पेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने दो आइटम्स बनाए हैं, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने घर के उस स्पेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फॉर मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फर्स्ट DIY में ओल्ड प्लास्टिक गोल डब्बे का यूज करके वर्ड हाउस बनाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक रफ पेपर पर सर्कल कट कर लिया था ताकि हमारे डिब्बे में कटिंग ठीक हो जाए। इसमें डायरेक्ट कटिंग करने में फिनिशिंग नहीं आती है, कटिंग करने के लिए मैंने पेपर कटर का यूज किया है। ये कटर बहुत शार्प होता है तो इसको केयरफुली यूज करें। मैंने शेप देने के लिए सिल्वर फॉइल का यूज किया है। आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं, और चिपकाने के लिए अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकोल या फेविवॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से चिपक जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, ग्लू गन से जल्दी चिपक जाता है और फेविकोल या फेविवॉन्ड से 5 से 10 मिनट ज्यादा लगता है। सिल्वर फॉइल चिपक जाने के बाद POP का वर्क स्टार्ट करेंगे। POP में थोड़ा सा पानी मिलाकर आटे की तरह लगाएं। ध्यान रहे, पानी का यूज थोड़ा थोड़ा सा करें, एक साथ नहीं तो आपका डो गीला हो जाएगा। इस तरह का हो जाने पर वाटर का यूज नहीं करें, सिर्फ अच्छे से मलें। अगर आपको लगे तो बस हाथ गीला करके यूज करें। ज्यादा पानी से POP डो नहीं बनेगा। अगर डो सही बना है तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। रेडी हो जाने के बाद इसे गीले कपड़े में लपेट कर लगभग 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अब डब्बे में फेविकोल लगाकर थोड़ा सा डो लेकर उसे उतना ही बेलें जितना पतला हो सके, ज्यादा पतला नहीं बेलें, और डिब्बे पर स्ट्रिप कट करके लगाएं। नाइफ से आसानी से कट हो जाता है। जॉइंट को उंगलियों या नाइफ से पानी की हेल्प से चिकना करें। POP से वर्क करना बहुत आसान होता है। अब पूरे डिब्बे को स्ट्रिप से कवर कर दें, फिर नाइफ से वुडन लुक देने के लिए कट लगा दें। गार्डन तो सभी क्या होता है, किसी के यहाँ छोटा तो किसी के यहाँ बड़ा, किसी के टेरेस पे। बट मेरे रेंटल हाउस में मैंने बालकनी में अपना छोटा सा गार्डन बनाया, उसी को डेकोरेट करने के लिए बर्ड हाउस बनाया है, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको कंप्लीट ड्राई होने में लगभग 2 से 3 घंटे लगे। पूरी तरह से ड्राई हो जाने के बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। POP में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। एक स्टेप ड्राई हो जाने के बाद ही हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसको फिंगर की हेल्प से या फिर स्पॉन्ज से लंबा करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा POP लगाई क्योंकि मुझे हार्ट शेप चाहिए थी। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। ध्यान रहे, POP लगाने से पहले फेविकोल को लगाना ना भूलें। अब इसके बचे हुए पार्ट में POP लगाकर नाइफ और पानी की हेल्प से स्मूथ करेंगे। Thank you.
जब तक बर्ड हाउस ड्राई होता है तब तक हाउस के लिए बर्ड भी बना लेते हैं। मैंने बर्ड की नेक को ज्वाइंट करने के लिए कट लगाकर पानी से चिपकाया है। आप फेविकोल लगा सकते हैं। इसको नाइफ से स्मूथ करेंगे ताकि इसकी नेक अलग से ना लगी हुई लगे। मैंने यहाँ 3 वर्ष को बनाया है। पतला वायर लेकर उसे मोड़कर एक वर्ड में अटैच कर देंगे। मैंने फ्लावर कटर से वर्ड हाउस के लिए फ्लावर्स भी बनाए। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। वर्ड हाउस की सारी डिटेल्स ड्राई हो जाने के बाद हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलर स्टार्ट करने से पहले वर्ड हाउस एंड बर्ड्स को सैंड पेपर की हेल्प से स्मूथ करेंगे। ध्यान रहे हाउस में ज्यादा तेजी से सैंड पेपर यूज ना करें, नहीं तो उसका वुडन टेक्सचर बेकार हो जाएगा। बस इतना करें कि उस पर जो एक्स्ट्रा पीओपी है वो हट जाए। मैं हाउस बनाने से पहले डिब्बे के अंदर कलर करना भूल गई थी, तो इस सर्कल से अंदर कलर कर लेंगे। मैंने ब्लैक कलर किया है, आप ब्राउन भी कर सकते हैं। अब हाउस में वुडन टेक्सचर दिया है तो इस पर हम ब्राउन कलर करेंगे। सारे कलर्स को मैं डबल कोट में करूंगी। वैसे आप भी मुझे आइडियाज दे सकते हैं नेक्स्ट मैं क्या बनाऊं अपने गार्डन के लिए। मैंने एक बर्ड में वायर अटैच किया था, उसी में हम धागे को डालकर सर्कल के अंदर धागे को पीओपी की हेल्प से चिपकाएंगे ताकि हमारी बर्ड उसके अंदर रहे। मैंने बर्ड को हैंग इसलिए किया कि वह मूव करती रहे। वैसे आप सर्कल के अंदर बेस पर बर्ड को चिपका भी सकते हैं, बट मुझे मूविंग बर्ड ज्यादा अच्छी लगी। एंड बाकी दोनों बची हुई बर्ड को हम पीओपी की हेल्प से बर्ड हाउस के ऊपर स्टिक कर देंगे। आप वर्ड हाउस को हैंग भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत सुंदर लगता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड लास्ट में मैंने वुडन क्लियर वार्निश का कोट अप्लाई किया। इससे ग्लॉसी लुक भी आता है और हमारा DIY डस्ट एंड वॉटर से प्रोटेक्ट रहता है। अपने गार्डन के लिए ओल्ड पॉट को डेकोरेट किया है। मेरे पास वुडन प्राइमर था तो मैंने वही यूज किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप होममेड गैसों का भी यूज कर सकते हैं। होममेड गैसों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें कलर करने के लिए रैंडम पैटर्न ड्रॉ किया है। बिना पेंट किए हुए पॉट नए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट कुछ दिन बाद पानी की नमी से खराब होकर घर के कोने में पड़ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पॉट हैं,
वहीं से एक पॉट निकालकर डेकोरेट किया है। इसका फाइनल लुक काफी अच्छा आया है। पॉट पर पेंट करने के लिए मैंने वॉल पेंट का यूज किया। मैंने ऑलरेडी एक्रिलिक कलर से बहुत से पॉट डेकोरेट किए थे, बट वह भी पानी की नमी से खराब हो गए, तो अब वॉल पेंट से पेंट करती हूँ। वैसे ये पेंट काफी दिनों तक खराब नहीं होते हैं। मैंने 4 शेड लिए थे, उन्हीं से कलर बनाकर यूज करती रहती हूँ। कलर्स का एक कोट ड्राई हो जाने के बाद इस पर दूसरा कोट किया है। गार्डन के लिए अपनी पसंद के कलर लेके ओट पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट एंड लाइक करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बातों बातों में हमारा पॉट भी रेडी हो रहा है एंड लास्ट में मैंने इसमें वार्निश का कोट अप्लाई किया है। ये पॉट को डस्ट एंड वॉटर से प्रोटेक्ट करेगा। ये क्लियर वार्निश किसी भी पेंट शॉप पे आसानी से मिल जाती है। एंड फाइनली पॉट इज रेडी टू वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।